हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ मैं आप सब ठीक हो गए। तो दोस्तों, कल हम चेक किए थे ये वाले ब्रीडिंग बॉक्स की लवबर्ड की एक कैंडलिंग किए थे। आज हम जो करने वाले ये वाले ब्रीडिंग बॉक्स को चेक करने वाले, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर बजी ने X4X ले किए थे, एक चिक हैच हो चुका था। चलिए हम एक बार आज देख लेंगे कि इसमें कितने चिक्स हैच हो चुके हैं या कितने एग्स बाकी है। एक बार टैप कर लेता हूँ दोस्तों मैं इसके ऊपर, क्योंकि अगर बजी अंदर होगी तो परेशान हो जाएगी हम अगर अचानक खोलेंगे तो। चलिए ऐसे ही देख लेंगे हम पहले बजी है या नहीं। नहीं दोस्तों, माशाल्लाह से दो चिक्स हैच हो चुके हैं। चलिए मैं आपको इसमें से निकाल के बताऊँगा। चलिए दोस्तों, हम ब्रीडिंग बॉक्स को निकाल लेंगे यहाँ से। हल्लो, हम मुझे देख के निकालना होगा क्योंकि इसके अंदर चिक्स है। यहाँ पर रख लेंगे हम ब्रीडिंग बॉक्स को। तो दोस्तों चलिए ब्रीडिंग बॉक्स खोल के हम देखेंगे कि इसके अंदर कितने चिक्स है। माशाल्लाह से देखिए दोस्तों, दो चिक्स हैच हो चुके हैं और 3 एग्स भी बाकी है। कितने प्यारे हैं, लेकिन ये उल्टे क्यों हैं चिक्स? एक चलिए हम 3 एग्स है दोस्तों, 2 चिक्स है। वापस रख देंगे हम, क्योंकि ज़्यादा देर पकड़ेंगे तो हमारे चिक्स को सर्दी भी लग सकती है, बजी के चिक्स को। मैं इन्हें एक बार सीधा रख के, और 3 एग्स है दोस्तों, वो भी इंशाल्लाह कुछ दिन में हैच हो जाएंगे। चलिए वापस इनकी जगह पे लगा देंगे हम। दोस्तों जो चिक्स हैच हुए है, ये वाला पेड़ है दोस्तों, वाइट वाली फीमेल है और ग्रीन वाला मेल है, इनके ये चिक्स है। चलिए वापस, तो इंशाल्लाह ये अच्छी तरीके से बड़े हो जाएंगे। ये ब्रीडिंग बॉक्स में ये लोग सेफ भी है। चलिए वापस हम ब्रीडिंग बॉक्स लगा देंगे, यहाँ पर थी इसकी जगह, यहाँ पर ही लगा देंगे दोस्तों। ये ब्रीडिंग बॉक्स में ज़्यादा लड़ाई भी नहीं होती है, क्योंकि ये पैक है अच्छी तरीके से और इसका होल भी जो है छोटा है, इसीलिए लोगों की लड़ाई भी नहीं होती है। देखिए वहाँ पर बैठे हुए इनके पैर, यानी इनके माँ बाप वापस आ जाएंगे। हम जैसे ही जाएंगे वापस आ जाएंगे, आके फिर इनके चिक्स को फिट करेंगे। दोस्तों ये वाली केज में तो चिक जो है कि माशाल्लाह से बड़ा हो गया था। फिर से देखिए मेल फीमेल जो है एग ले करने के लिए बैठे है, बहुत जल्द फिर से ये भी एग्स दे देंगे दोस्तों। अब बारी है चिकन चिक्स को, हैंड चिक्स को पानी रखने की, क्योंकि सुबह से फर्स्ट डाइट है दोस्तों इनकी, खाना भी नहीं डाला हूँ सुबह से, अभी आया हूँ मैं यहाँ पर। चलिए थोड़ा इनको आज हम पानी एक बार पी लेंगे, तो थोड़ी सी कोतमीर डाल देंगे। कोतमीर बहुत ही शौक से खाते हैं दोस्तों ये। माशाल्लाह से देखिए कितने बड़े हो गए, ये वाइट वाला चिक देखिए इसके ऊपर कितने बड़े हो गए। इंशाल्लाह ये सारे चिक्स बड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आज हैं चिक्स को थोड़ी सी कोतमीर दे रहा हूँ, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया हूँ। चलिए हम देखते हैं खाते हैं नहीं, खाते हैं या नहीं। देखिए दोस्तों माशाल्लाह कितने मज़े से खा रहे हैं ये कोतमीर, छोटे छोटे टुकड़ों में दे दिया हूँ ताकि इनके अल्लाह में ना अटके। अगर बड़े देंगे तो इनके जो है अंदर अटक जाएगा दोस्तों, मुँह के अंदर, और फिर ये एक्सपायर भी हो सकते हैं। चलिए थोड़ी सी कोतमीर मैं हमारे मास्टर केज के सारे बर्ड्स को भी दे दूँगा। तो दोस्तों आज मैं अपने मास्टर केज के बर्ड्स को जो ये वाली कोतमीर दे रहा हूँ, चलिए इसे थोड़ी अच्छे तरीके से हम धो लेंगे, क्योंकि दोस्तों इस पर पेस्टिसाइड्स बहुत होते हैं और बहुत ज़्यादा गंदा होती है कोतमीर। देखिए कितना गंदा पानी निकला है। तो दोस्तों हम आज मास्टर केज के बर्ड्स को दे रहे हैं कोतमीर, कोरिएंडर लीफ दे रहा हूँ, यहाँ पर रख दूंगा। ये वाले भी केजस में दे दिया हूँ दोस्तों, अब हमारे बर्ड्स आगे खा लेंगे। कोतमीर हमारे बर्ड बहुत ही शौक से खाते हैं, देखिए पैरट तो आने के लिए तैयार है। तो यहाँ तक थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो हमारे चैनल लाइफ विद पेट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों माशाल्लाह से हमारा ये वाला पेड़ जो है, इधर वाला जो है चीक है दोस्तों, माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया है। वो वाला मेल है, दोनों आ गए खाने के लिए, बहुत ही शौक से खाते हैं दोस्तों कोतमीर। चलिए आके दूसरे बर्ड्स भी खा लेंगे।